मुख्यालय में मंगलवार रात की तस्वीरें हैं, जब यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे। जेपी नड्डा से केशव की मुलाकात को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक हलचल है। अटकलों का बाजार गर्म है। दोनों नेताओं की करीब एक घंटे तक मीटिंग हुई। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बातचीत के दौरान यूपी में बीजेपी की मौजूदा स्थिति और कार्यकर्ताओं में निराशा के मुद्दे पर बात हुई है। कार्यकर्ताओं की चिंताओं और उनमें बढ़ रही निराशा को दूर करने के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करने की भी बात हुई है। इससे पहले रविवार को लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। इसी मीटिंग के दौरान डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि केशव प्रसाद खुद सरकार का हिस्सा है और इस बयान के बाद वो खुद लगातार संगठन के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं। सोमवार को भी केशव ने संगठन के फेवर में बातें सोशल मीडिया पर लिखी और आज फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। सवाल तो ये है कि जब केशव खुद ही सरकार में नंबर दो की कुर्सी पर 7 साल से बैठे हैं तो फिर वो बार बार संगठन बनाम सरकार के विवाद को क्यों उछालने में लगे हैं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि केशव संगठन के जरिए सीएम को टारगेट कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बताया गया कि कड़े कदम उठाए बगैर रास्ता निकलने वाला नहीं है। सरकार जमीनी फीडबैक के आधार पर काम नहीं कर रही है और 2027 जीतने के लिए समय रहते कड़े कदम उठाने की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग की गई। सवाल तो ये है कि किस तरह के कड़े फैसले की मांग बीजेपी नेतृत्व से की गई है। यूपी बीजेपी के अंदर की लड़ाई जब बाहर आई तो समाजवादी पार्टी को भी मौका मिल गया है। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। ये कमजोर पड़ गए हैं कुर्सी की लड़ाई में। जनता बहुत परेशान है। ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। हालांकि बीजेपी के नेता संगठन बनाम सरकार की इस सियासी लड़ाई को हवा नहीं देना चाहते। मैं भी कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी को यह तो भाजपा है। संगठन और सरकार मिलकर के ही हम आगे बढ़ाते हैं। संगठन का काम है संगठन करता है, सरकार का काम है सरकार करती है। संगठन अपनी जगह पर है, सरकार अपनी जगह पर है। संगठन अपना काम करती है और कार्यकर्ता का सम्मान संगठन भी करता है और सरकार भी करती है। और चूंकि सरकार भी हमारी है तो इसलिए हम एक दूसरे के पूरक। बीजेपी नेतृत्व तक एक पक्ष की बात पहुंची है। खबर है कि दूसरे पक्ष को भी बुलाया जाएगा और प्रदेश की सियासी सूरत पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो साफ है, ये कि पूरे एपिसोड ने पार्टी के अंदरूनी मतभेद को सड़क पर ला दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।